ज्यामिति की जो शुरुआत हुई थी, निर्देशांक ज्यामिति को जो की जो शुरुआत हुई थी, इससे पहले नहीं था। इससे पहले केवल ज्यामिति चलता, क्या चलता था? केवल ज्यामिति चलता था। आ जब नियामक ज्यामिति का की शुरुआत कैसे हुई, तो नियामक ज्यामिति की जो शुरुआत हुई है वह किससे हुई है? तो देखो, नियम ज्यामिति जो है केवल बिंदु, केवल बिंदु, ठीक है, बिंदु और एक सरल रेखा से, सरल रेखा से जो है ज्यामिति बनता। पहले ऐसे करके बनाया था, केवल ज्यामिति इस तरह, इस रूप में एक सरल रेखा खींच देते थे किसी एक बिंदु को लेकर, किसी एक बिंदु को मान करके हम एक सरल रेखा खींच देते थे। इससे क्या करते हैं ज्यामिति, इसको हम क्या कहते थे, ज्यामिति है। लेकिन डेकार्त नामक वैज्ञानिक जब आया तो उन्होंने कहा कि इससे तो केवल ज्यामिति ही बनेगा जी, नहीं केवल ज्यामिति ही बनेगा, लेकिन ज्यामिति ही बनेगा, लेकिन बीजगणित को हम इससे कैसे बनाएं, ये कह दिया कि बीजगणित को हम इससे कैसे बनाएंगे। केवल ज्यामिति तो नहीं बनाना है, तो बीजगणित को भी बनाना है। तो कहा कि जब हम, डेकार्त ने 1637 ईस्वी में, किसने, डेकार्त ने, डेकार्त, डेकार्त नामक वैज्ञानिक ने जो है यह खोज किया, क्या किया कि ज्यामिति को और बीजगणित को जब हम मिला देते हैं, नहीं जब ज्यामिति को और बीजगणित दोनों को मिला देते हैं तब जरूर बनेगा। तो कहा उसका नाम क्या दीजिएगा, ज्यामिति। आ ज्यामिति वाले कहेगा नहीं, आ क्या कहता है, बीजगणित वाला कहेगा नहीं कि हम बीजगणित का है नहीं इसका नाम देंगे, तब क्या करेंगे, तब क्या करेंगे। तो वो कहा किसने, डेकार्त ने, कि देखिए इसमें ना तो हमको देना है, ना तो हम बीजगणित देंगे नाम इसका, और ना ही हम इसका क्या नाम देंगे, ज्यामिति देंगे। तो इसका नाम हम क्या देंगे, तो निर्देशांक ज्यामिति देंगे, निर्देशांक, क्या, निर्देशांक ज्यामिति, ज्यामिति इसका नाम क्या पड़ा, हाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसका नाम दिया गया, समझ रहे हो। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति का जो निर्माण वो किया था किसने किया, डेकार्ते ने, कब किया था, 1637 में। और निर्देशांक ज्यामिति का जो निर्माण हुआ था वह किस किस से मिलकर बना था, तो एक ज्यामिति, ज्यामिति नहीं, और दूसरा, और दूसरा जो है बीजगणित, बीजगणित। यह दोनों जब मिलता था, यह दोनों जब मिलाया गया, ये दोनों को मिलाने से किसका निर्माण हुआ, निर्देशांक ज्यामिति का, नहीं। और निर्देशांक इसमें क्या होता है कि हम ज्यामिति का भी जो ही मतलब प्रश्न मिलते हैं उसका भी हल कर देते हैं, और उसके बाद है जो बीजगणित का भी कुछ ऐसा प्रश्न है जिसका हम निर्देशांक ज्यामिति से हल करते हैं, नहीं। इसमें क्या होते हैं, एक्स और वाई अक्ष होते हैं, किसमें, ये जो है इसमें एक्स और वाई अक्ष होते हैं, y अक्ष होते हैं। तो x अक्ष, x नियामक जो है, x नियामक, x नियामक को जो है हम क्या कहते हैं, x नियामक को हम भुज कहते हैं, क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। और y जो नियामक होता है, y जो नियामक होता है, नियामक होता है, इसको हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। अभी समझ रहे हैं, x नियामक को हम क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, और y जो नियामक होता है इसको क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। ये समझ गए, इसमें दिक्कत नहीं है, अब आगे चले चिन्ह, ठीक चलो, क्या है जी, चुप रहो, सब है इधर देखो, अभी हम बता रहे हैं 7.1, कौन बताए हैं 7.1, उसमें वह दूरी सूत्र पर निर्भर करता है, वह जो है वह दूरी सूत्र पर निर्भर करता है। तो इसमें सबसे पहले जरा इधर देख लो, हम
चतुर्थांश बनाते हैं। देखो ये रहा ऐसे कर, ये चतुर्थांश बना देते हैं। देख रहे प्लस का चिन्ह दिए हैं, जोर के चिन्ह समझते हो, बस उसी का चिन्ह दे दिए, जोर का चिन्ह दे दिए। और जोर का जब चिन्ह दे दिए तो इसको क्या किए, चार समकोण में जो है यह विभाजित हो गया है ना। एक ये हो गया समकोण, दूसरा ये हो गया समकोण, और तीसरा ये हो गया समकोण, और चारिम जो समकोण है सो ये कहलाता है ना। चार समकोण में बांट दिए हैं, प्लस जो होता है वह चार समकोण में बांटता है, बांटता है। अब हम इसमें क्या करते हैं जरा ये देखना है कि है देखो, इसको हम लिखते हैं प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश या प्रथम पाद भी कह सकते हैं, ये हुआ प्रथम पाद, ठीक है। इसको जो है हम द्वितीय पाद कहते हैं, देखो द्वितीय पाद, इसको हम द्वितीय पाद कहते हैं। ये हो गया द्वितीय पाद ना। ओए इधर देखो, कान में चलाई रही है, इधर नहीं देखेगी तब देखो। उसके बाद हो गया, इसको हम कहते हैं तृतीय पाद, इसको हम तृतीय पाद कहते हैं। और अगला जो है, अगला जो हम दे रहे हैं, कहाँ ध्यान है जी आए, और इसको जो हम कहते हैं इसको हम चतुर्थ पाद कहते हैं, चतुर्थ पाद कहते हैं। इसे हम चार भागों में विभाजित कर दिए हैं ना। तो देखो इसमें प्रथम, यदि हम प्लस का चिन्ह देते हैं ना, और यदि कहता है कि इसमें प्रथम पाद कौन सा होगा ना, तो हम प्रथम पाद जैसे हम प्लस का चिन्ह देंगे, ठीक दाहिने साइड के सबसे ऊपर भाग को हम क्या कहेंगे, प्रथम पाद है। जैसे ये जो है, ये जो या इस तरह से जो है, ये जो भाग है इसको हम क्या कहेंगे, यह प्रथम पाद है, समझ रहे हो। और ठीक उसके बाएं तरफ जो होगा इसको हम क्या कहेंगे, हाँ इसको हम द्वितीय पाद कहेंगे, ठीक है। और ठीक इसके नीचे को क्या कहेंगे, तृतीय पाद कहेंगे। हेलो तुम भी देखो, तो इसको जो है हम क्या कहते हैं, तृतीय पाद कहते हैं ना, इसको तृतीय पाद कहते हैं। और उसके बाद क्या होता है, इसमें जब हम जाएंगे ना तो इसको हम क्या कहते हैं, चतुर्थ पाद ना। अरे हम प्लस का चिन्ह कुछ भी देते हैं ना, लेकिन अगर हम कोई पूछ देता है इसमें प्रथम पाद कौन सा होगा, देखो इस तरह से हम प्लस का चिन्ह दे दिए, प्लस का तो चिन्ह ऐसा ही ना होता है, ऐसा तो नहीं करेंगे कि ये हो गया प्लस का चिन्ह, ये तो प्लस का चिन्ह नहीं ना। इसीलिए प्लस यानी कि जोर का जो चिन्ह देंगे ना, उसमें यदि कहता है कि प्रथम पाद कौन सा है ना, तो प्रथम पाद में क्या होगा कि ठीक जोर का चिन्ह दिए हैं, ठीक है। और जोर का चिन्ह देने के बाद यदि ठीक ऊपर में रहे ना, ऊपर वाले दाहिने साइड से जो होता है इसको क्या कहते हैं, प्रथम पाद कहते हैं। और ठीक इसके बाएं साइड जो रहता है, कहाँ ध्यान है जी आए, कपारे फोड़ देंगे नहीं तो इधर देखल करो, इसको क्या कहते हैं, द्वितीय पाद कहते हैं ना, इसको द्वितीय पाद कहते हैं। और ठीक इसके नीचे जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, तृतीय पाद कहते हैं। और तृतीय पाद के बाद क्या होता है, चतुर्थ पाद ना। ये समझ गए हो कि प्रथम पाद किसको कहते हैं, द्वितीय पाद किसको कहते हैं, तृतीय पाद किसको कहते हैं, और चतुर्थ पाद किसको कहते हैं ना। या प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश ना, ये भी हम कह सकते हैं ना। तो इसमें जैसे यहाँ ई प्लस का चिन्ह दिए, अब इसमें कहता है इसमें तृतीय पाद कौन सा होगा बताओ, हाँ तृतीय पाद बाई के नीचे वाला भाग ना, यही ना, यानी कि बाई के नीचे। ऐसा नहीं है कि प्लस का चिन्ह हम दे दिए किसी तरह से, ऐसा नहीं होगा उसका चतुर्थांश, जब भी प्लस देंगे तो ऐसा ही देंगे जी ना। तो चतुर्थांश जो होता है, प्रथम पाद जहाँ पर है अभी वहीं रहता है, द्वितीय पाद जहाँ पर है वहीं रहता है, तृतीय पाद जहाँ पर रहता है वहीं पर रहेगा, और चतुर्थ पाद जहाँ पर है वहीं रहेगा, समझे, समझ गए हो जी आए।
हाँ इधर देखना है, मुड़ी ऐसे कर लेती हो हैं, इधर इधर के देखते। हाँ तो क्या है, प्रथम पाद चतुर्थ पाद पाद और द्वितीय पाद समझ गए हो? हाँ जरा तुम बताओ कि इसमें द्वितीय पाद कौन सा होगा, बोलो। हाँ ता द्वितीय पाद, अरे हम एक रामन पूछ रहे हैं तो तोरा इधर थोड़ी पूछ रहे हैं, ये इतना बड़ा है ये बड़ा छोटा है तो अंतर होगा ना, तब इसमें चतुर्थ पाद द्वितीय पाद किधर होगा? इधर ये वाला। अच्छा और तुम बताओ इसका प्रथम पाद कौन सा होगा? दाहिना साइड में तो क्या क्या है दाहिना साइड में, ऊपर वाला कि नीचे वाला? हाँ चलो अब तुम बताओ इसमें तृतीय पाद कौन सा होगा? अरे बढ़िया ही का कर रही हूँ, द्वितीय के नीचे है, ऐसे हमको थोड़ी पूछने आता है द्वितीय के नीचे है, वो तो सब हुए थे द्वितीय के बाद तृतीय होबे करता है। अब तुम बता इसमें प्रथम पाद कौन सा होगा? तोरा बाएं दाएं नहीं पूछने आता, उस दिन ऐसा करो ना कंडक्टर ही कर लो ना, कन्हैया वाला गाड़ी जाता है समझ गए हो, एक गाड़ी पर कुछ दिन बैठ कर आ क्या नाम है टिंकुलिया के साथ बैठ जाओ और उसके साथ कुछ दिन कंडक्टर ही करो, सब समझ जाओगे दाएं बाएं, क्योंकि उसमें जो है ना उसमें केवल जो है ना दाएं बाएं को पढ़ाया जाता है, उसमें दाएं बाएं के सिवा कुछ थोड़ी पढ़ाया जाता है, तो दाएं बाएं बुझने आ जाएगा तब आ जाना पढ़ लेना का जी। नहीं चलो तुम बता इसमें बोलो प्रथम पाद कौन सा हो और दाया साइड ऊपर वाला, तुम समझी? अच्छा तुम बोलो जरा तृतीय पाद कौन सा होगा? और बाया का नीचे वाला। ओह देखो ये तो समझ गई थी नहीं, वाह थोड़ा पहले समझ गई नहीं। अब देखो प्रथम पाद है तो प्रथम पाद को हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ये फर्स्ट हो गया, यहाँ पर हम लिख सकते हैं द्वितीय पाद है तो इसको सेकेंड लिख सकते हैं, ये हो गया तृतीय पाद तो हम इसको थर्ड लिख सकते हैं, और ये हो गया चतुर्थ पाद तो इसे हम फोर्थ लिख सकते हैं, लिख दिए नहीं। ये हो गया प्रथम पाद यानी प्रथम चतुर्थांश हुआ, और ये हो गया द्वितीय पाद यानी कि द्वितीय चतुर्थांश हो गया, और ये हो गया तृतीय पाद यानी कि तृतीय चतुर्थांश हो गया, और ये हो गया चतुर्थ पाद यानी कि चतुर्थ चतुर्थांश हो गया, इस तरह से इसे रोमन में हम चार लिख सकते हैं नहीं। इसी तरह से अगर प्रथम कहेगा तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड है, ये थर्ड है और यह फोर्थ है नहीं। अब देखो इस प्रथम पाद में क्या सब आता है, ये जो है यह एक्स अक्ष है, और इधर जब आएंगे बाएं की ओर तब यह एक्स डैश अक्ष हो जाएगा, और जब हम ऊपर जाएंगे तो वाई अक्ष होगा, और ठीक जब नीचे आएंगे तो वाई डैश अक्ष होगा, आप समझ रहे हैं? जब हम ठीक नीचे आएंगे तब वाई डैश अक्ष होगा, और ऊपर की ओर जब चलेंगे मूल बिंदु से, यहाँ जो है ना इसको मूल बिंदु कहा जाता है, ये जो बिंदु है इसको मूल बिंदु कहा जाता है न, ये हो गया जीरो माइल, जीरो माइल देखे हो, जीरो माइल से वो इधर जाओगे तो मोकामा चला जाता है, इधर जाओगे तो बेगूसराय चल जाता है, इधर आओगे तो भगवानपुर चला जाता है, और सीधे जाओगे तो तेगरा होते हुए बछवारा होते हुए दलसिंह सराय चल जाता है नहीं। तो उसी प्रकार से ई हो गया जीरो माइल नहीं, इधर गए तो बेगूसराय, इधर आए तो मोकामा, और इधर गए तो भगवानपुर की ओर चल दिए, और इधर इधर गए तो बरौनी तेगरा बछवारा होते हुए चल आते हैं नहीं, ये हो गया। तो इसी तरह से ये क्या है, ये मूल बिंदु है, ये मूल बिंदु समझ गए? अगर मूल बिंदु से कहता है कि कोई दूरी कितना होगा तो एक्स अक्ष की दूरी कहेगा नहीं, मूल बिंदु से एक्स अक्ष की दूरी, तो मूल बिंदु से एक्स अक्ष की ओर चलेंगे, इसको मूल बिंदु कहते हैं नहीं। आ मूल बिंदु से कहेगा कि एक्स अक्ष की दूरी कितनी होगी या कितनी है, तब हम क्या करेंगे कि मूल बिंदु से एक्स अक्ष की ओर बढ़ेंगे, किस ओर? एक्स अक्ष की ओर। यदि कहता है कि मूल बिंदु से वाई अक्ष की ओर, तब हम वाई की ओर बढ़ेंगे, यदि कहता है कि मूल बिंदु से
y डैश अक्ष की ओर अगर बढ़ना है तो y डैश कहेगा तो नीचे की ओर बढ़ेंगे, और अगर यदि कहता है कि मूल बिंदु से x डैश की ओर चलना है तब हम क्या करेंगे कि x डैश की ओर चलेंगे ना, ये समझ गए। उसके बाद हम आगे चलते हैं, प्रथम पाद में कौन 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 से बिंदु होते हैं इसके बारे में बताते हैं। है देखो, प्रथम पाद में जो है ना सो x और कोमा y होता है, पहले हमेशा x होगा, जैसे हम लिखेंगे ना इस तरह से, देख ये समझ गए, पहले में क्या होता है x कोमा y होता है सबसे पहले, दोनों प्लस में होता है, ठीक है, ये दोनों जो होता है सो किस में होता है, प्लस में होता है, और जब इसमें आएंगे, जब इसमें आएंगे तो एक पहला x वाला होगा प्लस में, ठीक है, और y जो वाला होगा वह क्या होगा माइनस में, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं बढ़िया से ताकि पता भी चलेगा, y जो होगा यह क्या होगा माइनस में होगा, तो x होगा प्लस में और y होगा माइनस में, यह किस पाद में है तो द्वितीय पाद में, और प्रथम पाद में क्या होता है कि x और y दोनों क्या होते हैं प्लस में होते हैं, x और y का जो मान होता है यह दोनों मान किस में होते हैं प्लस में होते हैं ना, और द्वितीय पाद में x का मान तो प्लस में होता है लेकिन y का मान किस में होता है माइनस में होता है। अब हम तृतीय पाद में चलते हैं, अरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ना वैसे वैसे क्या होता है इसका मान भी प्लस माइनस होते चलता है, और जब हम तृतीय पाद में जाएंगे तो x भी माइनस में होगा और y भी माइनस में होगा, जब हम तृतीय पाद की ओर बढ़ेंगे तो तृतीय पाद में क्या होगा कि x भी माइनस होगा और y भी माइनस होगा, दोनों इसको ध्यान में रखना है कि तृतीय पाद में x और y दोनों माइनस होता है, ठीक है, प्रथम पाद में x और y दोनों प्लस होता है, द्वितीय पाद में x तो प्लस में होता है लेकिन y का मान माइनस में होता है, और जब हम चतुर्थ पाद में चलेंगे तो चतुर्थ पाद में क्या होता है x तो माइनस में होता, x तो प्लस में होता है, और इधर गड़बड़ किए ना, इसमें गड़बड़ हो गया, x माइनस में होगा और y होगा प्लस में, इधर गड़बड़ किए, ये देखो x होगा इसमें माइनस में प्लस में, और y जो होगा यह क्या होगा माइनस में होगा, नहीं यहाँ ऊपर का हम थोड़ा गड़बड़ कर दिए थे, चलो अभी ठीक कर दिए नहीं। अब देखो प्रथम पाद में क्या होता है कि x और y दोनों का मान जब निकलेगा तो किस में निकलेगा प्लस में, क्योंकि ऐसे इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव पूछता है, समझ रहे हो, इसलिए इसको बढ़िया ध्यान में रखना है, ऑब्जेक्टिव इससे बहुत पूछता है, दो चार को दे देता है, लिख देगा ये जो है किस पाद में, मान दे देगा, कहेगा किस पाद में, अब लोग अब बहुत ही है कुछ तो है नहीं इसमें, नहीं इसमें कुछ नहीं है। तो प्रथम पाद में x और y का मान दोनों क्या होते हैं प्लस में, धनात्मक होता है, और इसमें क्या होता है द्वितीय पाद में x का मान ऋणात्मक होता है और y का मान क्या होते हैं धनात्मक होते हैं, और जबकि तृतीय पाद में जो है x का मान हो या y का मान हो दोनों क्या होते हैं ऋणात्मक होते हैं, और चतुर्थ पाद में जब हम जाते हैं तो चतुर्थ पाद में x का मान तो धनात्मक होता है लेकिन y का मान ऋणात्मक होता है ना। देखो अब हम इसमें चिन्ह से प्रदर्शित करेंगे कि पहली दोनों जो है प्लस होता है, यानी x का मान भी प्लस में होगा और y का मान भी प्लस में होगा, इसमें फिर जब हम देखते हैं तो इसमें जो है फिर x का मान इसमें होगा x का मान माइनस में होगा और y का मान प्लस में होगा, जब हम इसमें देखते हैं तो दोनों जो है x और y का मान किस में होगा माइनस में होगा, लेकिन जब हम फिर चतुर्थ पाद में चलते हैं तो पहला मान यानी कि प्लस में होगा x का मान, और y का मान किस में चला जाता है माइनस में चला जाता है, ये समझ गए हो कि जब चतुर्थांश में हम देखते हैं कि किसका मान प्लस में होता है और कौन सा किस पाद में जाकर के दोनों माइनस होता है और किस पाद में जाने के बाद दोनों प्लस होता है और किस में पहले माइनस होता है किस में पहले प्लस होता है ना, त
तो ऐसा नहीं है कि ये बदल सकता है। अगर पहले माइनस रहेगा और दूसरा प्लस रहेगा नहीं, तो याद रखना है कि पहले माइनस और दूसरा प्लस वाले हमेशा किस पद में माने जाते हैं? द्वितीय पद में। और यदि दोनों प्लस में है नहीं, चाहे एक्स का मान हो या वाई का मान हो, ठीक है, दोनों का मान यदि प्लस में आता है तब हम क्या समझेंगे, यह प्रथम पद में है। और यदि दोनों का मान एक्स और वाई दोनों का मान माइनस में रहे तब हम क्या समझेंगे, तृतीय पद में है। और यदि दोनों दोनों में से एक पहले प्लस में हो, ठीक है, पहला ही प्लस हो, तो जब पहला प्लस है दूसरा माइनस है तब यह किस पद में माना जाएगा, चतुर्थ पद में माना जाएगा नहीं, यह किस पद में होगा, चतुर्थ पद में। अब हम आगे कुछ इसमें है, देखो ऐसे लिखते हैं, एक दो तीन चार पाँच छ और सात, है देखो एक दो तीन चार पाँच छ और सात, है देखो माइनस एक माइनस दो माइनस तीन माइनस चार और माइनस पाँच तक लिखते हैं, जितना हटेगा उतने लिखेंगे, कम में लिख के छोड़ दिए, थोड़े उतना बनाना है। उसके बाद देखो माइनस एक माइनस दो माइनस तीन माइनस चार माइनस पाँच माइनस छ और इसमें माइनस सात, माइनस सात तक हो गया नहीं, इसमें कम में हुआ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इस तरह से मान ले लिए नहीं। अब हम देखो जरा देखते हैं कि जैसे ये हो गया, अब जैसे मान लेते हैं तो x का मान हम ये x वाला ना हो गया नहीं, तो x वाला हम मान ले लेते हैं तीन और y वाला मान लेते हैं हम क्या करते हैं पाँच। अब देखो ये पहले हमेशा x अगर प्रश्न में ना इस तरह से रहे तीन और पाँच दिया हुआ और इसमें कहता है कि x का मान क्या है, ठीक है, यदि इसमें कहेगा कि x का मान क्या है तब हम क्या करेंगे कि इसमें x का मान पहले वाला होता है कि बाद वाला नहीं, तो पहला वाला जब भी मान होगा ना इधर वाला, तो पहला वाला हमेशा x में होगा, अगर माइनस में है प्लस में है उससे नहीं मतलब, अगर माइनस में रहेगा तो माइनस वाला देखेंगे किस पद में है नहीं, अगर दोनों माइनस में है तो देखेंगे उस वह किस पद में है नहीं, अगर दोनों प्लस में है तो वो देखेंगे। ऐसा नहीं है कि पहले वाई का मान हो जाएगा और बाद में जा करके एक्स का मान होगा, ऐसा नहीं होगा, पहले जब भी होगा तो किसका मान होगा, एक्स का मान होता है, आप ये समझ गए। तो इसमें क्या हुआ है, कबो कबो इका होता है नीचे में ना पैर में फंस जाता है, क्या करें, देखो अब इसमें क्या करेंगे ना, इसमें क्या करेंगे, ये तो हो गया दोनों प्लस में है ना, जब दोनों प्लस में है तो हम कह सकते हैं कि चिन्ह के मुताबिक यह किस पाद में है, प्रथम पाद में है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, एगो ऐसी में एगो माइनस में ले लेते हैं तीन और दूसरा प्लस में ले लेते हैं, तो अब ये किस पाद में हो गया, द्वितीय पाद में, क्योंकि द्वितीय पाद का नियम होता है यदि एक्स का मान माइनस में हो और वाई का मान प्लस में हो तब यह किस पाद में माना जाएगा, द्वितीय पाद में माना जाएगा, किस पाद में, द्वितीय पाद में माना जाएगा। और यदि x का मान और y का मान दोनों का मान यदि माइनस में हो तब यह किस पाद में माना जाएगा, तृतीय पाद में, क्योंकि x और y दोनों का मान किस में है, माइनस में है, और जब दोनों का मान माइनस में रहता है तब यह किस पाद में माना जाता है, हो गया, हाँ तो तुम वहां से बना, शुरू से बना। उसके बाद ये क्या है, किस पाद में माना जाएगा, तृतीय पाद में नहीं। और उसके बाद यदि पहला मान का है सो जानते हो, देखो पहले दे देगा प्लस में और दूसरा क्या करेगा, ये माइनस में पांच लिख दिया नहीं, पहला तो प्लस में दे दिया है और दूसरा क्या किया है कि माइनस में दे दिया है, और जब पहला प्लस में दे दिया और दूसरा का माइनस में दे दिया तब तो चिन्ह के मुताबिक तो चतुर्थ पाद में हो गया जी नहीं होगा। तो इसी प्रकार से जो है यह मान इस तरह से दिया रहता है और उसे हम पहचानेंगे कि यह किस पाद का में आता है और लिखा जाता है कि यह किस पाद में है, ये समझ गए।
हम एक और उदाहरण लेकर के देखते हैं। जैसे देखो, यदि इसमें लेते हैं 6 और 7, या किस पाद में आएगा? तो प्रथम पाद में। प्रथम पाद में क्यों आता है? क्योंकि इसमें x का मान और y का मान क्या है? दोनों प्लस में है। और जब हम द्वितीय पाद में देखते हैं तो इसमें क्या है कि x का मान और y का मान यानी कि -6 और 7 है, यानी x का मान तो माइनस में आ गया है लेकिन y का मान किस में है? प्लस में है। और जब x का मान माइनस में रहे और y का मान प्लस में रहे तब यह किस पाद में माना जाता है? द्वितीय पाद में। और यदि x और y का मान दोनों ही माइनस में रहे तब यह किस में माना जाएगा? तृतीय पाद में। दिक्कत नहीं हो रहा है जी? नहीं होता है। हाँ देखो, और उसके बाद अगर पहले क्या करेगा, प्लस में दे देगा और दूसरका जो है ये माइनस में दे देगा तो ये किस पाद में माना जाएगा? चतुर्थ पाद में माना जाएगा। नहीं, चतुर्थांश में माना जाएगा। ये समझ गए? अब हम आगे चले, एक दो उदाहरण दे करके पूछे। अच्छा जरा देखो, हम बताते हैं। ये देखो -4 है और -3 है, तो जरा बताओ ये किस पाद में हो? तृतीय पाद में होगा। क्यों? क्योंकि x का मान और y का मान किस में है? माइनस में है। और जब दोनों मान माइनस में रहे तब यह किस पाद में माना जाता है? तृतीय पाद में। माना किस पाद में है? तृतीय पाद में। उसके बाद क्या होता है ये तो समझ गए। नेक्स्ट देते हैं, 3 और -2 है, ये किस पाद में है? चतुर्थ पाद में है, क्योंकि यहाँ x का मान प्लस में बताता है और y का मान जो है माइनस में बताता है, इसलिए यह किस पाद में है? चतुर्थ पाद। अच्छा अब हम एक एक करके पूछे। अच्छा चलो तुम बता कि -6 और 7 किस पाद में है? द्वितीय पाद में है। सही बोला, सही बोली है। चलो उसके बाद हम पूछते हैं, तुम बताना ये किस पाद में है? प्रथम पाद में है जी। और तुम बताना ये किस पाद में है? चतुर्थ पाद में। अरे तो बड़ा जल्दी समझ जाता है जी। हैं, ये किस पाद में है जी? अरे तो बड़ा जल्दी समझ जाता है। हाँ तुम बोलो, बोलोगी ना? हाँ पहले पहले मुंह और पोछ पाछ लो तब बोलना, क्योंकि मार चॉकलेट बिस्कुट खाए हो। हाँ चलो बोलो, देख लो बोलने के लिए तैयार हो? हम पूछे हैं। अरे हम तुम पूछोगे कि हम पूछेंगे? अरे हम ही पूछेंगे जी, हम ना पूछेंगे। कह दिया लिखिएगा तब ना हम पूछेंगे, ये कौन बात है? अरे हम ना पूछेंगे, तुमको याद है ना बढ़िया से? हम पूछे हैं और नहीं बताओगी तब पत्थर से मारेंगे। अच्छा ठीक है, देखो आए क्या हुआ है, देखो पूछ रहे हैं, ध्यान से जरा इन प्रश्नों को देखना, और यदि उत्तर नहीं देते हो तो क्या करोगे सो जानते हो? नहीं जानती, जत्ते सब पैर धोकना है होती, सबको प्रणाम करना है। देखो 2 -2 = 6 जरा बताओ किस बात में? अब तो तुम भूत लेवे करोगी, हमको पता है भूत लेगी। हाँ जरा बताओ। अरे तुम थोड़े बोली हो, अरे काहे बताई थी? हाँ चलो तुमको पूछे हैं, बाद में नहीं बताए दोगी ना? क्या पूछिए रहे हैं तो आसी गई आने इसमें तो पूछे हम। चलो हम पूछ रहे हैं, है देखो बताओगी ना? नहीं बताओगी तब तुम सबको प्रणाम करो, पैर धोए गया है जी। अरे थोड़ी कहता है जी, खूब धोया है बढ़िया से, प्रणाम करे कर लेना, कोई बात, पैर धोए गया है बेचारा, कल से परेशान था, कल ही धोया था, आज नहीं धोया है। नहीं जी आज नहीं धोया,
और रोज धोता है, रोजे धोता है लेकिन कोई प्रणाम नहीं करता है बेचारा खाली। आज आज जरूर हो जाएगा, मत करो तो चिंता, आज जरूर प्रणाम करे। चलो है देखो माइनस चार कोमा दो, जरा बताओ किस बात में तैयार रहो। हाँ देखो आए द्वितीय पद में है। चलो तुम बोलोगी, पूछे पूछे जी, नहीं बताओगी तब बताओगी। खाना पीना खाएगा ही नहीं खाएगा, सवेरे सवेरे लोग खाएगा आता है। देखो चलो बताओ, है देखो आठ कोमा माइनस छ, जरा बताओ किस पद में का चतुर्थ पद में है। हमको तो लगता नहीं है, ठीक है बोल रही है जी, हमको तो कुछ सस्पिशन लग रहा है चतुर्थे पाद में। ओ तब तो ठीक है बोली है ना, चलो चतुर्थे पाद में। हाँ तुम बोलो, तुमको पूछे उतरवा तो दोगी ना। आज चलो देखो पूछते हैं माइनस छ कोमा माइनस तीन, ये किस पाद में है? तृतीय पाद में है। तो ये किस पाद में है माइनस दो कोमा छ? अच्छा तो ये किस पाद में है, जरा बता, ये किस पाद में है, जरा बताओ तो आए प्रथम पाद में। तो माइनस तीन और माइनस छ ये किस पाद में है? आए वाह बड़ा फास्टली बताती है, वाह तोरा हम इनाम में जो है और का देंगे, इसी गए हो अब तो कोई दिक्कत नहीं ना, किसको बनाए। इससे पहले तो हम ये चिन्ह के बारे में बता दिए थे, बता दिए हैं। अब जो हम अभी बताने जा रहे हैं वह उस चिन्ह के यानी कि बिंदु की स्थिति ना, जब बिंदु प्रथम पाद में स्थित है तो उसका एक्स नियामक का चिन्ह क्या होगा, वाई नियामक का चिन्ह क्या होगा, दोनों यदि मिलता है तब उसका चिन्ह क्या होगा, नहीं एक्स और वाई के चिन्ह क्या होंगे इसके बारे में बताते हैं। है देखो बिंदु की यहां लिखेंगे बिंदु की स्थिति, स्थिति उसके बाद हम लिखेंगे एक्स नियामक, नियामक चिन्ह, एक्स नियामक चिन्ह ये हो गया, वाई नियामक चिन्ह चिन्ह और ये हो गया एक्स कोमा वाई का चिन्ह। देखो एक्स कोमा वाई का चिन्ह ये हो गया इन चारों पर बिंदु की स्थिति। तो बिंदु की स्थिति में जो है इधर देखो कहाँ ध्यान है, मारब ना समझ गए, घरे पर गिरो लड़की यार का क्या काम है तो जानते हो, ज्यादा कर को जो है ना कुछ न कुछ खिस्से उठा देती है, हमेशा यही काम होता है। कभी दाल में की कहे छे नोन घट गया तो कभी क्या कहती है कि सब्जी में हल्दी कम पड़ा है, तो कभी कहेगी कि आज रोटी हम कांचे बना दिए पता नहीं, जबकि गैस का जमाना है फिर भी रोटी कांचे हो जाता है। पहले तो लोग कहती थी क्या जानते हो कि जो है चूल्हा था ना उसमें थोड़ा जरना कभी कम होता था कभी ज्यादा हो जाता था, लेकिन गैस में तो कम ज्यादा नहीं, वो तो बराबर ना चलता है फिर भी कांच पाछे बनाने आएगा तब ना, अब बनाने नहीं आता है। देखो इधर देख रहा है कह दिए बिंदु की स्थिति, अब माना गया कि बिंदु जो है तुमको क्या है उधर का ही देखती है, हम इधर पर आए तू उधर देखती है, कह देखती उधर दे बोला चालू है। तो क्या है प्रथम पाद में जो है, अब हम देखते हैं कि बिंदु की स्थिति क्या है। तो बिंदु की स्थिति क्या होगी कि क्या जब हम इसको प्रथम पाद में देते हैं तो एक्स का नियामक क्या होगा, एक्स का नियामक मतलब समझते हो ना कि भुज कहते हैं, एक्स के नियामक को क्या कहते हैं भुज कहते हैं, और y के नियामक को क्या कहते हैं कोटि कहते हैं, क्या कहते हैं कोटि कहते हैं। तो जरा देखो जब बिंदु प्रथम पाद में, प्रथम पाद में
ठीक है, ये रहा प्रथम पाद। आ जब बिंदु कोई प्रथम पाद में रहे तो x का चिन्ह क्या होगा? प्लस में, x तो प्लस में ना होता है, और y किस में होता है? प्लस। x कोमा y किस में होगा? प्लस कोमा प्लस में, दोनों हो जाएगा प्लस और प्लस में। आ जब हम द्वितीय पाद में लेते हैं, जब इसको हम द्वितीय पाद में लेते हैं, द्वितीय पाद में, तो x का नियामक क्या होगा? माइनस, और y का नियामक हो जाएगा प्लस में। जब x कोमा y का चिन्ह देखा जाएगा तो माइनस कोमा प्लस के रूप में होगा, होगा ना? क्या है कि प्रथम पाद में जब रहेगा तो x का नियामक जो है, यानी भुज जो होगा, वह भुज किस में होगा? प्लस में होगा। भुज का मतलब क्या होता है? x का नियामक, नहीं x का नियामक। तो प्रथम पाद में यदि रहता है तो x का नियामक चिन्ह क्या होगा? प्लस में होगा। और प्रथम पाद में y का नियामक चिन्ह क्या होगा? तो प्लस में होगा। और द्वितीय पाद में x का नियामक चिन्ह यदि देखा जाता है तो x का नियामक चिन्ह क्या होगा? माइनस में। और y का नियामक चिन्ह क्या होगा? प्लस में। आ जब x कोमा y देखा जाता है ना जी, तो वो क्या हो जाएगा? माइनस कोमा प्लस में। अब हम तृतीय पाद के बारे में देखते हैं। देखो तृतीय पाद, तृतीय पाद में क्या होता है? जब x नियामक क्या होगा इसमें? तो x नियामक तो इसमें माइनस होगा, और y नियामक फिर क्या हो जाएगा? दोनों माइनस में होगा ना। आ इसमें जब x कोमा y का चिन्ह देखा जाता है तो दोनों क्या होता है? माइनस कोमा माइनस होता है, यही ना होता है? माइनस कोमा माइनस होता है। आ उसके बाद क्या है? चतुर्थ पाद है। आ ये अंतिम है ना, चतुर्थ पाद है। आ चतुर्थ पाद में अब हम देखते हैं, देखो सबसे पहले तीनों को देखते हैं कि प्रथम पाद में, ठीक है, x का, x को हम क्या कहते हैं? x को क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। और x नियामक को, और y नियामक को क्या कहते हैं? यदि पूछा जाता है कि x नियामक को क्या कहा जाता है, तो x नियामक को जो है सो भुज कहा जाता है, और y नियामक को कोटि कहा जाता है। तो प्रथम पाद में x नियामक का चिन्ह क्या होगा? प्लस में होगा। प्रथम पाद में y नियामक का चिन्ह क्या होगा? प्लस में होगा। और प्रथम पाद में जब x कोमा y का चिन्ह देखा जाता है तब यह क्या हो जाएगा? दोनों प्लस में हो जाएगा। और फिर द्वितीय पाद में जब देखा जाता है तो x का नियामक चिन्ह भुज क्या हो जाएगा? नहीं, आई कोटि क्या होगी? प्लस में। और दोनों का चिन्ह फिर माइनस। और जब तृतीय पाद में हम चलते हैं तो भुज क्या हो जाएगी? माइनस में, और कोटि तो दोनों मिलकर के माइनस कोमा माइनस होता है। अब हम लास्ट में चलते हैं, लास्ट में है चतुर्थ पाद, और चतुर्थ पाद के में जो होता है एक्स नियामक जो होता है सो होता है पहले प्लस में, नहीं पहले प्लस में, और दूसरा क्या होता है? माइनस में। आ जब x कोमा y के चिन्ह को देखा जाता है तब यह क्या हो जाता है? प्लस कोमा माइनस, ये समझ गए हो? x और y का जो चिन्ह होता है यह क्या हो जाता है? प्लस और माइनस, ये चारों सब समझ गए हो?